नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनय, आप देख रहे हैं टेक्निकल ज्ञान और आज हम बात करने वाले विंडोज़ 11 के बारे में। विंडोज़ 11 का जो है 24 जून को लॉन्च हो चुका है, अभी तक ये सबके लिए मिला नहीं है, बीटा वर्जन अभी अवेलेबल हो रखा है। आप एडवांस में जाके, सॉफ्टवेयर अपडेट के एडवांस में जाके बीटा प्रोग्राम को ज्वाइन करके बीटा वर्जन ले सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि अभी फिलहाल में बीटा वर्जन मत लीजिए क्योंकि वो अनस्टेबल रहेगा, आपके लैपटॉप में पीसी में दिक्कत दे सकता है। तो अगर आपको उससे पहले एक बात मैं बता दूँ कि आपके लैपटॉप या पीसी उसके लिए कंफर्टेबल है या नहीं, हम ये कैसे जान सकते हैं? वैसे तो वेबसाइट के ऊपर विंडोज 11 की जो रिक्वायरमेंट्स दे रखी है वो हमें उसके अंदर मतलब आधे से ज़्यादा तो हमें पता ही नहीं, हमें इतना पता चल सकता है गीगाहर्ट्ज चाहिए, इतना मेमोरी चाहिए, इतना रैम चाहिए, ये सब कुछ हमें पता रहता है, लेकिन बाकी उसके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें पता नहीं चल पाती कि हम उसे कहाँ खोजें। तो वही हम खोजेंगे कैसे और हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा लैपटॉप या पीसी उसके लिए कंफर्टेबल है या नहीं। चाहे कोई भी कंपनी का हो, विंडोज़ ने जो एक टूल बनाया है, विंडोज़ मतलब हेल्थ, पीसी हेल्थ नाम से एक एप्लीकेशन बनाया है, उसको आप इंस्टॉल करेंगे और उसके अंदर आपको पता चल जाएगा। तो चलिए मैं आपको मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर लेके जाता हूँ और आपको किस तरह से उसका यूज़ करना है मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको मैं अपनी प्रॉपर्टीज़ दिखा देता हूँ, मतलब जो मेरा पीसी है वो असूस के तरफ से आने वाला, आपको तो पता चल ही होगा, देखिए असूस की तरफ से टप A15 है, फिर भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ मेरे इसमें रन क्या कर रहा है। देखो लैपटॉप ATF A457J, ये डिवाइस का नेम है मेरे, इसके अंदर 8GB है, 2.9GHz मतलब 3GHz का प्रोसेसर है, AMD Ryzen 3 है, 4800 रेंज वाला और विंडोज 10 होम सिंगल लैंग्वेज वाला मेरे इसमें अभी लाइसेंस एक्टिवेटेड है विंडोज 10 का। तो अब मुझे मिलेगा या नहीं कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहले देखो मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ, यहाँ पे पीसी हेल्थ चेक नाम से आपको एप्लीकेशन दिख रहा होगा जो कि ब्लू कलर का है, ब्लू हार्ट बना हुआ है। तो इसके अंदर जाने के बाद आपको, और आप यहाँ से अगर डेस्कटॉप पे नहीं है तो आप इसको पीसी हेल्थ में, रिसेंटली मैंने यूज़ किया था, यहाँ से दिखा देता हूँ। तो देखिए चेक नाउ का यहाँ पे इंट्रोड्यूसिंग विंडोज 11, यहाँ पे चेक नाउ पे आप जैसे क्लिक करते हो ग्रेट न्यूज़ दिस पीसी मीट्स ऑल सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, मतलब विंडोज टी जो 11 जो है मुझे मिलने वाला है इस लैपटॉप के अंदर। इसी तरह आप अपने लैपटॉप या पीसी के अंदर चेक कर सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, पीसी हेल्थ चेक डालना है, वहाँ पे विंडोज 11 आपके लिए कंफर्टेबल है या नहीं, मिलेगा या नहीं आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस विंडो पीसी हेल्थ चेक नाम से एप्लीकेशन है उसको आपको इंस्टॉल करना है विंडोज़ की साइट से। तो इतना ही था इस वीडियो में, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करना और ऐसी आगे वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।